गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की वार्षिक सामान्य निकाय की 86वीं बैठक भोपर रोड स्थित पंजाबी बारात घर में की गई। बैठक बैंक के सभापति श्री सत्यपाल की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। जनपद के अधिकतर बैंक प्रतिनिधियों, सहकारी बंधुओं, बैंक के भूतपूर्व सभापतियों एवं संचालकों द्वारा बैठक में भाग लिया गया। सामान्य निकाय की बैठक का संचालन बैंक उपसभापति श्री मुकेश कुमार जैन द्वारा किया गया। बैंक के सचिव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अजय वर्धन पाठक द्वारा बैंक की वित्तीय स्थिति की जानकारी देते हुए आगामी वर्ष हेतु तैयार किए गए कार्यकलाप, संप्रेक्षित रोकड़ पत्र, लाभ हानि की स्थिति, शुद्ध लाभ का वितरण, वर्ष 2020-21 का अनुमानित बजट प्रस्तुत किया गया, जिसका सर्वसम्मति से उपस्थिति प्रतिनिधियों द्वारा अनुमोदन किया गया। सदस्य समितियों को 10% लाभांश वितरण का प्रस्ताव भी पारित किया गया। आज जिला सहकारी बैंक मुजफ्फरनगर और शामली की 86वीं AGM है, जनरल मीटिंग। प्रत्येक वर्ष इसको किया जाता है। इसमें बैंक का आय व्यय का लेखा जोखा, बैंक की उपलब्धियां और अपने जितने प्रतिनिधि हैं उनका सारा रिपोर्ट और किसी को कोई बैंक के विषय में अपनी बात रखनी, इस सब को यहाँ पे रखा जाता है और इसे किया जाता है।